संग्रहालय आने के लिए आपको सबसे पहले तो न्यू मार्केट आना पड़ेगा ये, और उसके बाद जस्ट न्यू मार्केट से करीब 1 किलोमीटर ऊपर ही है, तो आप न्यू मार्केट आके किसी से भी पूछेंगे तो आप हमारा संग्रहालय का एड्रेस आपको बता देगा। न्यू मार्केट से बहुत ही पास है। और जैसे कि अगर आप हबीबगंज से आते हैं या तो रानी कमलापति से आते हैं, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, या तो भोपाल रेलवे स्टेशन से अगर आप आते हैं तो आपको वहाँ से करीब 10 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा दोनों जगह से। अब दोनों जगह से अगर आते हो तो आपको न्यू मार्केट करीब 10 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से फिर 1 किलोमीटर आपको ये मानव संग्रहालय का पार्क पड़ेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एक नए वीडियो पे। तो आज मैं आया हूँ मानव संग्रहालय, और चूँकि मैं अकेले ही सफ़र करता हूँ तो इसलिए आज अकेले ही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मानव संग्रहालय, मैं आपको दिखाऊंगा फुल वीडियो इसका। तो जो आप पीछे देख रहे हैं ये इसका एंट्री गेट है, तो यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा एंट्री गेट है। और जैसे कि एंट्री गेट के पास ही अपन देखें तो ये एक छोटा सा आपका यहाँ पे पार्क है, और इस पार्क में कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मूर्तियाँ, आप सोच भी नहीं सकते पुराने ज़माने में क्या लोग कितने अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। और आज तो खाली हम मोबाइल और कंप्यूटर पे ही अटके पड़े हुए हैं। तो ये जैसे आप इंटर करेंगे ना, इंटर करते ही ये मूर्ति आपको दिखाई दे देंगी। तो यहाँ पे देवी देवताएं जितने भी हैं उनके भी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे पूजा पाठ होता रहता है। और ये सामने कोई भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे चारों तरफ देखिए, चारों तरफ यहाँ के कुछ न कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, वो सब यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आप मानव संग्रहालय में एंट्री करते हैं ना, जैसे ही आप एंट्री करते हैं वैसे ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। और ये जो बड़ी बड़ी यहाँ पे क्या घोड़े की मूर्तियाँ, घोड़े हाथी, मतलब ये समझ लो कि बहुत ही बेहतरीन है ये। आप आए यहाँ विजिट करें पार्क, तो आप हमेशा ही घूमते रहते हैं। देखिए क्या ही बेहतरीन यहाँ पे आपको नज़ारा मिल जाएगा। ये जैसे आप एंट्री करते हैं ना वैसे ही ये पार्क बना हुआ है। ये छोटा सा पार्क है, और ये हमारे बजरंग वैली। तो अब निकलते हैं आगे, आपको और भी अच्छा सरप्राइज और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। आप उसमें देखेंगे कि पुराने ज़माने के कैसे ही लोग रहते थे, और क्या उनकी जीवन शैली थी, क्या ये यूज़ करते थे, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ फुल वीडियो में, तो मिलते हैं हम आगे। तो जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये हमारे मानव संग्रहालय का गेट है, और हम आ चुके हैं इसके अंदर। तो अभी आपको और बहुत कुछ मैं दिखाऊँगा यहाँ पर, तो बने रहे हमारे साथ फुल वीडियो में। तो मिलते हैं और आगे अपन देखते हैं, और कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें अपन दिखाते हैं। मुझे यहीं से और आगे जाना है, और आगे देखते हैं और बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कुम्हार ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सामने का बहुत ही शानदार नज़ारा, वो भी मटकियों वाला। तो यहाँ मैं बहुत बार आ चुका हूँ, फिलहाल आज आपको घुमा रहा हूँ। तो ये कुम्हार पारा है, तो कुम्हार पारा में क्या क्या यहाँ पे बनाया गया है और क्या क्या यहाँ पे है, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कुढ़ारी पठेरा, ये कुढ़ारी पठेरा का है शायद जो यहाँ पे बनाया गया। तो जिस स्टेट का और जो भी मटकी का और कुम्हार का जो भी मतलब अब समझ लीजिए, अब ज़्यादा तो मैं ट्रेडिशनल नहीं जानता, तो यहाँ पे उसका सब कुछ बनाया गया है। और ये सारा मानचित्र है उसका,
तो आप सामने देखेंगे कि बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। तो जैसे आप इंटर करते हैं तो सामने आपको ये मटकियों का ऊपर दिखाई देगा, और यहाँ चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे आपको मटकी मटकी दिखाई देगी। तो यहाँ भी ये थोड़ी जानकारी दी गई है, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ने के मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये देखिए ये कुछ मटकियाँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं, और ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पे बना हुआ है बहुत ही शानदार बना हुआ है। तो ये एक देवी जी की मूर्ति, और उसके साथ में कई मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं, और ये कुछ यहाँ जानकारी इसकी दी गई है। ये कुबेरी पूजा इसे बोलते हैं शायद, ये मालवा का है। तो देखेंगे बहुत ही शानदार इसका नज़ारा है। तो आप जहाँ तक देख रहे हैं ना, वहाँ तक ही मटकी की पूरी यहाँ पे सीनरी बनी हुई है। तो जैसे आप इधर देखें, इधर भी ऐसे बना हुआ है। तो आज मैं आपको हर कुम्हार का जो भी ये ट्रेडिशनल सामान बनते हैं, तो अपन सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप जहाँ तक देखें, ये जहाँ तक देखिए कुम्हार जो क्षेत्र है अपना ट्रेडिशनल, तो यहाँ हर स्टेट का जो बनता है, यहाँ पे है उड़ीसा की कुम्हारी टेराकोटा परंपरा की ये कुछ डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। ये बेसिकली फूले जो हैं मिट्टी के बने हुए, और आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको बस मिट्टी के ही बर्तन दिखाई देंगे। बेसिकली ये कुम्हार के जो होते हैं बस वही हैं। ये पश्चिम बंगाल का है, ये पश्चिम बंगाल का कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ, कुछ डिज़ाइन जो कि बहुत ही बेहतरीन बनी हुई। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरे मिट्टी के बने हुए हैं। और जैसे ये एक ढका रखा हुआ है,